जय हिंद एवरीवन, आई एम मोहम्मद शाद। नाउ आई एम हियर टू मेक अ वीडियो फॉर माय एक्सपीरियंसेस ऑफ एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 एंड एनडीए सेकंड एग्जामिनेशन 2022। आई टेल अबाउट व्हाट्स वे आई क्लियर माय बोथ आर एग्जामिनेशन एंड आल्सो माय फोकस ऑन माय एसएसबी एंड आई एम आल्सो क्लियर माय अग्निवीर इंटेक 01 2022 फॉर एयरफोर्स एग्जामिनेशन एंड आई क्लियर्ड माय फेज वन एंड फेज टू एंड फाइनली आई फाइंड अ ग्रीन कार्ड। But my ultimate aim to become an officer in the Indian Armed Forces. So I do my hard work to to achieve my goals. So firstly, here I to make a only video for what's way I cleared examination and also focus on my boards because I am the clear first my examination and with my boards. And I tell that I thanked special from Team RS sir because. It's only done by its hard work and its dedication about that timing of classes and many things. So coming up, what's way I know about NDA? I firstly tell about I think when I was in class 11 and moving to class 12, then in the my mobile a message are came the notification of NDA 2000 war came. So I know about it and when the know about that NDA is the best career in the 12th appearing, then I very excited. Then I went to the YouTube and search about the NDA. Then I will very excited to make an officer and after that when I filled the form, then I decided to also know about the some experience, what type of question, what is the syllabus of the NDA. Then I search YouTube, then first video came, that is the Team RS sir, and I opened the video and saw the inspiration and then I joined the Team RS sir. And firstly I think for 1 to 5 days I did not follow the instruction because there are many videos are came one day, but I only saw 1 to 2 videos. So फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने फिर पूरा वीडियो देखना, सो मैं अभी अब हिंदी में बोलूँगा। फिर मैंने वीडियो देखे सारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आरएस सर को ज्वाइन किया था फर्स्टली कृष्णा बैच से। देन मैं कृष्णा बैच से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और वहाँ पे मैं पूरी क्लासेस देखता था संजय सर की 6 AM पे वॉकअप की क्लास, उसके बाद मुकेश सर की आर एस सर की प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब माई राइजिंग इंडिया पे। सो मैं माई राइजिंग इंडिया को भी बहुत धन्यवाद कहूँगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग दूर करने के लिए इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और स्पेशली थैंक टू मुकेश सर बिकॉज मैथमेटिक्स तो मेरे को आती थी बट इतना नहीं आती थी, मतलब कि जो ट्रिक्स जो बढ़िया, मतलब मैं क्लास में बोर हो जाता था मैथ के, बट उनके क्लास में अगर मैं 2-3 दिन तो मेरे को अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये होने लगा कि मैं एक दिन छोड़ देता था क्लास, तो लगता था पूरी दिन बेकार गया। सो मैं पूरा क्लास उनकी देखता और आर एस सर को भी स्पेशल, उनके फिजिक्स नहीं वहाँ जादू रहते थे, फिजिक्स में कुछ अलग ही गोल। और बी एस सर के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे लगे मेरे को। और तो मेरे टीचरों का बहुत योगदान रहा मेरे एनडीए क्लियर करने में। और मैं अपनी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा अगले वीडियो में कि मैंने कैसे पढ़ा बोर्ड्स के साथ और कैसे मैंने एक बार रिटर्न मेरा क्लियर हो गया तो मैंने एसएसबी को भी फोकस किया और साथ में अपना सेकंड रिटर्न को भी ध्यान दिया और मैंने फाइनली सेकेंड भी क्वालिफाई किया। और उसके साथ साथ मैंने एयरफोर्स का भी दिया और उसे भी पास कर दिया और फाइनली उसकी ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है। और मैं फाइनली मेरा जो मैंने क्लियर किया वो उसमें तो सबसे बड़ा योगदान है टीम आरएस सर का। अगर कोई भी नया बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है, सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप जाके विजिट कीजिए एक बार, श्योर आपको अच्छा लगेगा। और मैं भी कहूँगा कि मेरे तरह भी आप चमकेंगे और आपका भी दिल खुश हो जाएगा। वहाँ के मतलब कि सबसे ज़्यादा इस चैनल की जो खासियत है, यहाँ पर आपको जो बोल दिया वो मिलेगा, कंटेंट तो डबल। अगर आपको रेटिंग देनी हो 10 तो वहाँ 100 की रेटिंग दोगे कसम से। और बाढ़ की बढ़िया है। और फिर
बात करते हैं अब कि कैसे यहाँ पे कौन कौन से टीचर हैं और कैसे पढ़ाने का स्ट्रेटजी है। सो एनडीए में मतलब कि मेन होता है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना नहीं जरूरी होता है। एनडीए में जो होता है कि आप क्रैक करना एग्जाम को, एनडीए को क्रैक करने के लिए ना कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए, उसके लिए बॉस होता है कि अच्छे अच्छे चीज़ को पढ़िए, जो कि हमारे बी एस सर करंट अफेयर्स के लिए माहिर हैं, उनके करंट अफेयर डिट्टो फंसते हैं। और करंट अफेयर्स के बारे में तो उनसे अच्छा मैं कहूँगा, अगर डिफेंस के बारे डिफेंस में एनडीए में छापने वाले उनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। और आरएस सर की फिजिक्स वो भी लाजवाब है, एक बार आप क्लास देखिए फिर बोलिएगा। और मुकेश सर की मैथ वो तो कॉन्सेप्ट के जलवे हैं, कॉन्सेप्ट के किंग हैं, और उनके ही ऐसा एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन 2020 का था जिसमें 80 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तो सेम एज क्लास के थे। आप वीडियो भी उनका पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो अगले जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा मैंने कैसे मेरी स्ट्रेटजी थी। बाकी यहाँ तो मैं सिर्फ इस वीडियो को बनाया सर को थैंक्स करने के लिए, एंड दैट्स ऑल। ओके, जय हिंद।